देखो चैप्टर सेट एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है। फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। देखो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 100, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये क्या आपके पास, एम्प्टी सेट, कि ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या जाएंगे, 2, 4, सॉरी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आपके पास एक ही है जो कि क्या है, 2, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर नहीं पूछा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर पूछा है, ठीक है। तो आपके पास ओनली वन इवन प्राइम नंबर होता है, तो यहां पर एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5। ये नंबर लाइन आ गई, दिस इज 5 एंड दिस इज 7। एक्स लेस देन 5, एक्स की वैल्यू 5 से कम, यानी कि यहां पर, ठीक है। एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7 और एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी, यहां पर, ठीक है। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ठीक है। ये चीज बोल रहे हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर होगी, इस तरह से कि एक्स की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए और 7 से बड़ी। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 5 से कम हो और 7 से बड़ी हो, तो ये भी क्या आएगा आपके पास, एम्प्टी सेट, ठीक है। जो मजे लिख लो, ठीक है। तो ये भी एम्प्टी सेट आपके पास, ये भी एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी सेट। नाउ फोर्थ वन इज वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखो जब आप टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये दो लाइंस के यहाँ आपस में पैरेलल हैं, तो इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपके पास कोई कॉमन पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब इस सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पास, एम्प्टी सेट है। ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, ओनली सेकेंड पार्ट था जो कि आपके पास एम्प्टी सेट नहीं था, ठीक है। ओके देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फर्स्ट है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। देखो मंथ ऑफ ईयर, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स काउंटेबल है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये आपके पास काउंटेबल है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। आपने ये लिख दिए जो भी मंथ आते हैं आपके पास ईयर में, ठीक है, और ये काउंटेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या आपके पास, फाइनाइट सेट है। ओके नाउ नेक्स्ट इज 1, 2, 3 अप टू 100। अप टू 100 कहां तक कोई पता नहीं है, यानी कि आप यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, इनफाइनाइट सेट। ये क्या आ गया आपके पास, इनफाइनाइट सेट। ओके यहां पर आ जाओ 1, 2, 3 अप टू 100, पर लास्ट में लिखा 99 एंड 100, मतलब 1, 2, 3 से लेकर आपने 100 तक बताने हैं कि ये काउंटेबल है कि नहीं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है, पर कहां तक, 1 से स्टार्ट हुए 100 पर खत्म हो गए, इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट का मतलब है कि कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पर खत्म हुआ, अगर हमें वो पता है तो हम उसे फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। यहां तो हमें पता है कहां से स्टार्ट हुआ, पर ये नहीं पता कि कहां खत्म होगा, तो ये इनफाइनाइट सेट। यहां हमें पता है ये 1 से स्टार्ट हुआ और 100 पर खत्म हो रहा है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या आपके पास, फाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से आएंगे, 100 से बड़े, 100 से बड़े आपके पास पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे,
101, 102, 103 एंड अप टू 100, ठीक है। स्टार्टिंग का पता है लेकिन खत्म होने का पता नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ आपके पास, इनफाइनाइट सेट। नाउ फिफ्थ इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम प्राइम नंबर, ठीक है। 99 से छोटे कितने प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है, लिख सकते हैं हम 2, 3, 5, ठीक है, अप टू 100 ऑन, ठीक है। लास्ट इज योर 97, ठीक है, लिख सकते हैं 97 इज अ प्राइम नंबर ना। तो देखो यहां पर हमें पता है ये सेट कहां से स्टार्ट और 2 से स्टार्ट और 97 पर खत्म हो रहा है, ठीक है। मतलब 99 से कम जो भी प्राइम नंबर होंगे वो हम काउंट कर सकते हैं, या 97 या 97 नहीं है तो प्राइम नंबर देना कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये 99 से कम जो भी नंबर हम उनको लिख सकते हैं, हम इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है आपके पास, फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो बेसिक सा ध्यान रखना कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आपके पास क्या है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो ये आपके पास क्या आ गई, एक्स एक्सिस आ गई, ये आपके पास आ गई वाई एक्सिस, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस के पैरल आप कितनी पैरल लाइंस बना सकते हो, एक्स एक्सिस के पैरल आपके पास इनफाइनाइटली मैनी पैरल लाइंस बन सकती है, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी पैरल लाइंस, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इसमें, ठीक है, एक्स एक्सिस के बहुत ज्यादा पैरल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के पैरल हो, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, ये आ जाएगा इन फाइनाइट सेट, ठीक है, क्योंकि हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जो हैं इसमें, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देखो सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज काउंटेबल, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, फाइनाइट सेट, ये तो सिंपल ही है, ठीक है। एंड द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 5 दिया जाएगा, 5, 10, 15 अप टू 100, शुरू होने का पता है खत्म होने का पता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, देखो अर्थ पर जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास काउंटेबल ही है, ठीक है, अर्थ की बात कर रहे हैं तो वो क्या आपके पास काउंटेबल है, हम बता सकते हैं कि वो कितने एनिमल्स हैं, तो ये आपके पास क्या गया, फाइनाइट, ठीक है। ये क्या गया आपके पास, फाइनाइट सेट। एंड द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, देखो ये सर्कल बनाओ, ये ओरिजिन आ गया आपके पास, दिस इज ओरिजिन। देखो एक सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक यहां थोड़ा सा बड़ा रेडियस वाला, एक इससे भी बड़े रेडियस वाला, ठीक है, फिर यहां से मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहां से, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्कल बन सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कई सर्कल, ठीक है, ऐसे पास करेंगे, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स, तो ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कितने सर्कल यहां से पास करेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर फोर, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, आपने बताना ए और बी सेट आपस में इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसमें भी कितने हैं, 4। उसके बाद आप देखोगे जो ए और बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, ये सेम है कि नहीं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर ए इज इक्वल टू बी होगा। तो पहले के लिए ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट है। सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 4। नाउ सेकेंड कंडीशन, एलिमेंट सेम है या नहीं, 4 है, 8 है, 12 नहीं है, एलिमेंट ही सेम नहीं है, ठीक है, तो हम यहां बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। नाउ थर्ड इज ए इज इक्वल 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी, बी में क्या आ जाएगा, पहले बी में आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, ठीक है,
एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या रहेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू 100, पॉजिटिव इवन इंटीजर। सेकंड कंडीशन है एक्स जो है वो 10 या 10 से कम होगा, तो एक्स की वैल्यू 10 या 10 से कम होगी, यानी कि ये सेट बनेगा। एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, हाँ पॉजिटिव इवन इंटीजर लिख लिए, और साथ में एक्स की वैल्यू 10 या 10 से कम, 10 या 10 से कम लिख लिए। अब देखो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 है और बी सेट में भी कितने हैं, 5 है, ठीक है। और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, इसके भी 2, 4, 6, 8 है, इसके भी 2, 4, 6, 8 है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए ए क्या है, बी के इक्वल, तो ए जो है वो बी सेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इक्वल सेट था, ये इक्वल सेट नहीं था, ये इक्वल सेट है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ए सेट में क्या एलिमेंट आएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि 10, 20, 30, 40 अप टू 100 ऐसे एलिमेंट आएंगे, और बी में क्या आएंगे, 10, 15, 20, 25, 30। देखो यहाँ पर साफ ही दिख रहा है, यहाँ पर 10, 20, 30 टाइप के एलिमेंट आएंगे, यहाँ 10, 15, 20, 25, 15 और 25 भी हैं जो यहाँ नहीं है, साफ ही दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी सेट आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो अंदर एलिमेंट है वो सेम ही नहीं है, ठीक है। नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट, और आपके पास क्या होना चाहिए, जो इनसाइड एलिमेंट्स इनसाइड द सेट है वो भी सेम होने चाहिए, जैसे ये था, ठीक है, लग गया पता। तो ये आ गया इक्वल सेट, नॉट इक्वल, इक्वल सेट एंड दिस इज आल्सो अ नॉट इक्वल सेट, ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें लिखा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, ये इक्वल है ये नहीं है, आपने रीजन भी देना है, ठीक है। देखो ए में तो ये एलिमेंट आ गए, बी के एलिमेंट निकालने हैं, तो एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन, ठीक है, इस सेट में क्या एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करो कि नजर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 एंड प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 एंड माइनस 3, ठीक है। तो बी सेट क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 2 कॉमा माइनस 3, ठीक है। अब देखो ए सेट में आपके पास 2 और 3 है और बी सेट में माइनस 2 और माइनस 3 है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू, ये तो सेम है, पर जो एलिमेंट है इन साइड द सेट, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो अलग अलग है, ये 2 प्लस का है, ये माइनस का है, ये 3 प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब ए और बी सेट आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो ये इसका रीजन आ गया, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। तो देखो क्या ए सेट में क्या एलिमेंट आ जाएंगे, हैव कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू, यही आएगा, क्योंकि ओ 2 टाइम्स आ रहा है तो हम सेट में रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को, एल भी 2 टाइम्स आ रहा है तो इसे भी हम रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे। नाउ बी सेट में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ओ एल एंड एफ, ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 4 एंड द एलिमेंट्स इन साइड द सेट ए एंड सेट बी आर सेम, एफ एफ ओ ओ एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू, देखो एलिमेंट्स आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन एलिमेंट हैं तो हैं सेट में, एलिमेंट तो सेम ही है, आगे पीछे होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ए सेट क्या है, बी सेट आपस में इक्वल है, तो ए सेट एंड बी सेट आर इक्वल सेट, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट के यहां आपस में इक्वल है, ओके, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन नंबर 6, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, आपने सेलेक्ट करना है इक्वल सेट कि इनमें से इक्वल सेट कौन से हैं। देखो ए सेट 2, 4, 8, 12 है कहीं, ठीक है, इसमें भी नहीं है, ये एलिमेंट सेम ही नहीं है, ठीक है, 2, 4 नहीं है, ठीक है,
तो ये तो होगा नहीं किसी के इक्वल। बी वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये देखो बी सेट के एलिमेंट और डी सेट के एलिमेंट इक्वल है, वन टू फोर एलिमेंट्स, वन टू थ्री फोर एलिमेंट्स, और जो इनसाइड सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो बी और डी आपस में क्या है इक्वल। नाउ सी, ये भी इक्वल नहीं किसी के, नाउ डी हो चुका ई, माइनस वन कोमा वन है कहीं, ये देखो ये भी माइनस वन कोमा वन और ये भी वन कोमा माइनस वन, एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, यहाँ माइनस वन पहले है, यहाँ पर माइनस वन बाद में है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट इनसाइड द सेट वो भी सेम है, ठीक है, और तो कोई सेम नहीं है, ठीक है, बाकी कोई भी सेम नहीं है, तो बी सेट जो है वो डी सेट के इक्वल है, ठीक है, और आपके पास ई सेट जो है वो जी सेट के इक्वल है, तो ये जो सेट है आपस में इक्वल है, बाकी कोई भी सेट यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इक्वल सेट के जब भी आप इक्वल बताने हैं तो उनके डेफिनेशन पर ध्यान रखना, डेफिनेशन क्या बोलती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये इसके सॉल्यूशन करने हैं, ओके।